हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसके रिलेटेड और उसमें हमने बहुत सारी बातें को सीखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों उसको पहले देख लीजिए और फिर इसको देखिएगा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट होगा। तो देखिए, हमने पीछे वाला वीडियो में लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में हमने आपको बताया है कि टाइप 3 एग्जांपल्स दिए थे आपको, आपके सामने हमें 3 टाइप की एग्जांपल्स रखा था और मैंने आपसे ये वादा किया है कि 5 टाइप का एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा और 5 टाइप के एग्जांपल्स पढ़ाने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इजिली एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड। चाहे आप कोई भी किताब भी रेफरेंस बुक रखे होंगे तो उसको भाई आप इजिली बना सकते हैं। आइए अब हम टाइप 4 बढ़ेंगे। कितना टाइप नंबर 4, बहुत अच्छा। टाइप नंबर 4 में दोस्त जैसा कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूछा गया है कि बताना है कि एपी में है अथवा नहीं है। बात समझ आ रही है? हमें ये बताना है कि एपी में है कि एपी में नहीं है। तो अगर हम इसको बताना होगा तो कैसे बताएंगे? तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब कभी भी, तो पहला काम ये किया जाता है कि कम से कम यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ a इज इक्वल टू a1, कम से कम 4 तक लिख लीजिए। a1 इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि पता है ना पहले वाले को प्रथम पद कहते हैं। और हाँ, ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें सीखनी है अभी आगे चल करके, ठीक है? तो ये एंड ऐसे लिखिए, a2 कितना दिया गया है आपके सामने 9 है, a3 कितना है आपके सामने 15 और A4 कितना है 18, है ना? बहुत अच्छा। अब हम चेक करना है भी, अब देखिए एक बात आपको बता दूं पहले कि हम किसी सीक्वेंस को कब कहते हैं कि वह मतलब कब कहते हैं कि वह एपी में है। किसी अनुक्रम को जैसा कि यह दिया गया है, हम कब कहते हैं कि एपी में है? हम तब कहते हैं ना जब उसका सार्वांतरिक समान हो। अगर दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वह एक समान हो रहा है, एक समान प्राप्त हो रहा है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, यानी कि चाहे हम किसी भी दो क्रमागत को घटाएं, हर स्थिति में अगर एक समान आ रहा है तो हम कहते हैं कि वो एपी में है अथवा एपी में वो कहेंगे कि नहीं है, अगर सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं, इसलिए लिखेंगे डी इज इक्वल टू क्या, a2 - a1। A2 ढूंढिए कितना है 9 है, A1 कितना है 6 है, तो 9 में 6 हो गया तो 3। पुनः लिख लीजिए, पुनः D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 - A3। तो A4 ढूंढिए कितना है, A4 इसके आपके सामने 18 लिखा गया और A3 ढूंढिए कितना है 15, घटाइएगा तो 3। तो हर हाल में देख रहे हैं कि जो D की वैल्यू है वो एक समान हो रहा है। तो लिखेंगे इस प्रकार, डी समान है, डी मतलब समझ रहे हैं ना दोस्त, सार्वांतर समान है, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में है। बात समझ आ रही है? दिया गया अनुक्रम एपी में है, ये आपका हो गया आंसर। अब हम सेकेंड नंबर कर ले रहे हैं, जस्ट इसी तरीके से करना है। बस यहां पर क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको तेज करेंगे, यहाँ A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 8 और A4 इज इक्वल टू आपके सामने है 16। तो ये आपको तो दिखना आता ही है पार्ट 1 ही से। चलिए अब हम और नया सीखते हैं दोस्त। अब यहाँ पर D निकालेंगे, क्या होता है D, A2 - A1, तो ढूंढिए 4 - 2 इज इक्वल टू 2, फिर D निकालिए, पुनः D निकालिए ना, तो जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा A3 - A2। तो A3 ढूंढिए 8 है ना, A2 ढूंढिए कितना है 4 है, बहुत अच्छा, और पार्ट कितना है 4 है, तो घटाइएगा तो आपके सामने 4 आने वाला है ना। फिर देखिए, फिर डी निकालिएगा तो हो जाएगा A4 - A3, तो A4 ढूंढिए दोस्त कितना है आपके सामने 16 दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा, और -A3 देखिए 8 है। तो आपको लगातार 2 ले रहे हैं, देखिए लगातार कोई 2 ले रहा है ना, तो लगातार 2 लेने के बाद और घटाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू आ रहा है वो एक समान नहीं आ रहा है, यानी कि जो डी की वैल्यू आ रहा है वो एक समान नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे दोस्त, कि एपी में नहीं है। तो लिख देंगे इस प्रकार, लिखना जरूरी होगा, इस प्रकार डी समान नहीं है, नहीं है लिखेंगे ना, तो लिखेंगे अतः दिया गया
अनुक्रम एपी में नहीं है। बात समझ आई दोस्त? तो आप इसको कॉपी करिए जल्द। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं आपको, टाइप फाइव में। देखिए मैंने दो तरह के टाइप पढ़ा दिया, टाइप फोर। और टाइप फोर में हमने आपको दो तरह के एग्जांपल दिए, जो एपी में है और एक वो जो एपी में नहीं है। दो एग्जांपल इसलिए दिया कि आप समझ सकते हैं कि कब एपी में होता है और कब एपी में नहीं होता, इसलिए हमने आपके सामने दो एग्जांपल्स रखा। और दोस्त एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम ना बहुत चीज सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना, बहुत ज्यादा। तो आइए अब हम और आगे जानते हैं। देखिए टाइप फाइव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा या फिर किसी और के द्वारा, वो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स लिखना ज्यादा संभव नहीं है, मतलब ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे में मैंने आपको एक पेज में आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं पढ़ूंगा इसको और आप उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा और फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहे हैं दोस्त, अच्छा से देखिए और इसको, चलिए मुझे उम्मीद है कि इसको अच्छा से आपने देख लिया होगा और वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपया है। एक कुआं है, प्रथम मीटर जो खोदा गया कोई व्यापारियों द्वारा, तो 150 रुपया लगा, ठीक है। और फिर क्या दोस्त बोल रहा है ना कि और बाद में जो प्रत्येक मीटर की खुदाई करने में जो लागत है अब 50 रुपया ले रहा है, मतलब प्रथम मीटर में 150 रुपया, लेकिन उसके बाद जो खुदाई किया जा रहा है व्यक्तियों के द्वारा उसकी जो कीमत है वह 50 रुपया है, ठीक है। तो ऐसे में इस संबंध को हमें बताना है कि क्या यह एपी में है अथवा एपी में नहीं है, इस बात को हमें बताना है। तो आइए हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं आपको बता दूं। तो लिखिएगा, प्रथम मीटर की खुदाई में लागत कितना दोस्त? 150 रुपया है। आप क्वेश्चन मुझे उम्मीद है लिख लिए होंगे, अच्छा बहुत अच्छा। फिर लिखिएगा दूसरे मीटर की खुदाई में लागत, ऐसे करने का मीनिंग समझ ही रहे होंगे, बहुत अच्छा। तो दूसरे मीटर की खुदाई में जो लागत है दोस्त वो है 150 पहले था, लेकिन अब जो लग रहा है 50 रुपया ऐड कर दिया जा रहा है, तो प्लस 50 यानी टोटल 200। फिर देखिएगा तीसरे मीटर की खुदाई में लागत इज इक्वल टू, ये देखिए 200 प्लस 50, तो जब 200 में 50 ऐड कीजिएगा तो 250, बहुत अच्छा। फिर देखिएगा आप चौथे मीटर की खुदाई में लागत बराबर 250 प्लस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने 300 रुपये। तो आप इसी तरीके से बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन हम इतने ही निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं दोस्त, तो लिखेंगे इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं, अनुक्रम आपने देखा 150 200, फिर देखिए 250 और फिर आपने देखा 300, फिर इसी तरीके से डॉट डॉट बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर देखना है, हमें बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो हम कब कहेंगे दोस्त, जब बी समान होता भी ना, तो हम लिखेंगे, देखिए आप चेक करिए तो पाइएगा, यहाँ इसमें 50 जोड़े तो 200 हुआ, इसमें 50 जोड़े तो 200 हुआ, इसमें 50 जोड़े तो 200, इसका मतलब जो सर्वांतर होगा हमेशा इक्वल होगा कि नहीं होगा, बहुत अच्छा। तो लिखेंगे क्या यहाँ सार्व अंतर एक समान है, इसलिए दिया गया संबंध एपी में है, ये हमारा आंसर है दोस्त। तो आप इसको कॉपी करिए और उसके बाद हम अब और आगे देखते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा। अब मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसा अब 5.1 का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ना जो आपसे नहीं बोला बनेगा, चाहे आप कोई भी रेफरेंस बुक रखे हो, केसीसी नहा रखे हो, आप कोई भी किताब रखे हो, आप इजिली कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के लिए थ्योरी बताने जा रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था पूरी वीडियो देखना है।
चलिए अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के लिए थ्योरी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम एक सूत्र प्रूफ करेंगे और सूत्र के आधार पर हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, इसलिए तरह वीडियो को देखते रहना है। तो लिखेंगे एपी का, हेडलाइंस बनाइए दोस्त, एपी का एनवा पद ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे हमेशा कहता हूं कि आप कॉपी कलम लेकर बैठिए अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। एपी का नवा पद ज्ञात कीजिए अर्थात साबित करे कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। मतलब दोस्त हमें ना एपी का नवा पद ज्ञात करना है, अर्थात हमें इस बात को साबित करना है कि जो एन है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। तो आइए हम इसका प्रूफ करते हैं। तो दोस्त कैसे हम इसका करेंगे, तो लिखिएगा, माना कि एपी का, मैं आपको एक छोटा सा पाठ लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो लिखिएगा, माना कि एपी का प्रथम पद ए सर्व अंतर डी तथा, एक और बात दोस्त, नवा पद कहिए या फिर अंतिम पद कहिए, बात एक ही होता है। तो अंतिम पद एन है, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, बात समझ आई। उसके बाद लिखिएगा एपी की गणितीय परिभाषा से, मैंने आपको पढ़ाया है एपी की गणितीय परिभाषा, नहीं देखे हैं ना तो पीछे वाले वीडियो पार्ट टू देख लीजिए। चलिए मैं आपको बताया हूं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी, है ना, डॉट 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 एन पदों तक, मैंने ये बात आपको बताया है दोस्त, बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से समझिएगा, प्रथम पद को क्या चीज से सूचित करते हैं, आप बोलिए तो इधर तो लिखते हैं, बोलिए देखकर ही बोलिए, हाँ ए वन से सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने तो ए वन यहां पर लिख दिया लेकिन यहां पर मुझे कुछ बातें बतानी है, इसलिए मैंने यहां पर ए वन लिखा है। बोलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं ए वन को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। अब आप सोचिए कैसे लिख दिए, तो देखिए अभी बता दे रहा हूं आपको, देखिए ए प्लस एक में घटेगा तो जीरो इंटू डी, जीरो से गुणा कीजिएगा और ए जुड़िएगा, ऐसे देख लीजिए ना, इज इक्वल टू ए ही ना होगा। मतलब ना हम ए वन को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा पद यानी कि दोस्त ए टू को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर पहला था तो हमने पहला लिखा, यहां पर दूसरा है तो हमने दूसरा लिखा, तो माइनस वन इंटू डी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ए बता रहा हूं कैसे कैसे आया था, ये आ गया तो समझ काम बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो ए प्लस वन इंटू डी यानी कि ए प्लस डी हो जाएगा। देखिए फिर आगे तीसरा पद, तीसरा पद दोस्त ए थ्री, तो हम लिखेंगे ए प्लस, देखिए दो है तो दो और तीन है तो तीन, माइनस वन इंटू डी, तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस, तीन में से वन घटेगा तो दो और गुना करेगा तो बी, यानी ए प्लस टू डी। तो आप पा क्या रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर इंटरेस्टिंग बात सीखना है। आप ये पा रहे हैं कि यहाँ पर पहला था तो पहला, दूसरा था तो दूसरा, तीसरा था तो तीसरा, चौथा था तो चौथा, पांचवा था तो पांचवा, इसी प्रकार ऐसे करिए, इसी प्रकार चौथा था तो चौथा, पांचवा है तो पांचवा, फिर लिखेंगे इसी प्रकार एनवा पद मींस क्या दोस्त, एन, एनवा पद मींस एन, क्या हो जाएगा ए प्लस एनवा है तो एन होगा ना, माइनस वन होगा ना, इंटू डी होगा ना। तो देखिए इस प्रकार हमने क्या प्रूफ कर लिया, एपी का एनवा पद इतना होता है। देखिए प्रूफ तो कर लिया लेकिन अभी हमें इसमें कुछ और बातें आपको सिखानी है, तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब हम और आठ बातें सीखते हैं। लिखेंगे दोस्त, अब लिखेंगे इस प्रकार एपी का एनवा पद इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना है सूत्र। तो इतना तो काम समझ आई, अच्छा कॉपी करते जाइएगा नहीं तो बहुत पछताइएगा। चलिए अब हम लिखेंगे अर्थात एपी का एनवा पद को हमने क्या माना था दोस्त, एन माना था, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप एक बात लिख लीजिए, आप नहीं भूलिएगा इसलिए मैं लिखवा देता हूं, जहां ए इज इक्वल टू प्र
प्रथम पद होगा, ये जो होगा ना वो प्रथम पद होगा, एन होगा वो पदों की संख्या होगा, जो डी होगा दोस्त सार अंतर होगा, जो एन होगा वह अंतिम पद होगा, अंतिम पद होगा। बात समझ आई? होता है लिख लीजिए, होता है। तो आप इतना को कॉपी करिए और इस पर आधारित हम एग्जांपल्स अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्त दूसरी बात, ये आप इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, जब तक याद नहीं करिएगा नेक्स्ट वीडियो में मजा ही नहीं आएगा। अगर आप सूत्र याद कर लेते तो नेक्स्ट वीडियो में मजा ही मजा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि समझ ही रहे ना इसको पूरा फैलाना है। क्या करना है? पूरा फैलाना है। ऐसे स्थिति में घर बैठे लोग पढ़े इसलिए बोल रहे हैं पूरा फैलाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।